हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पंजाबी जूती हब में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सॉफ्ट और कंफर्टेबल जूती का बेस तैयार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे ये वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है, इसकी फुल वीडियो आपको जल्दी इस चैनल पर मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, बेस की सभी चीज़ों को एक शेप में काट लिया जाता है जो कि साइज़ के अकॉर्डिंग होती हैं, और फिर लेदर को नीचे रखा जाता है। उसके बाद उस पे स्पंज लगा दी जाती है। ये बहुत ही कंफर्टेबल पंजाबी जूती बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इस स्पंज पर पहले ही हमने गम लगाई हुई थी, इसलिए ये चिपक जाता है और हिलता नहीं। अब बारी है इस पर स्काइबर लेदर लगाने की। इससे इसकी फिनिशिंग डबल हो जाती है, डबल क्या फुल हो जाती है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद ये फाइनल लुक दी जाएगी। अब इसको कुछ जूतियों के इनर में कीवी लेदर लगता है, कुछ में लाइनिंग लेदर, और बट जो हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं ये है स्काइबर लेदर, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट होता है और फिनिशिंग भी इसकी काफ़ी होती है। स्काइबर लेदर का हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स देखी होंगी जिसमें हम कलर चेंज करते हैं, वो स्काइबर लेदर ही होती है जो बेस में यूज़ हुई होती है जूती की। और ये देखिए दोस्तों, हमारी कंफर्टेबल पंजाबी जूती का कंफर्टेबल बेस तैयार हो चुका है। अब इस बेस को हम कटिंग के लिए भेज देंगे और कटिंग के बाद की लुक आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फुल मेकिंग की वीडियो के साथ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको बनवानी है अपनी ऐसी ही कंफर्टेबल जूती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।